अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास टेंथ सोशल साइंस हिस्ट्री, और हिस्ट्री का यूनिट थर्ड हम पढ़ रहे हैं। और यूनिट थर्ड में से आज हमारा जो क्वेश्चन टॉपिक जो है ये है दी कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका। दी कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका, इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 19th सेंचुरी जो यूरोपियन कंट्रीज जो थी, यूरोपियन कंट्रीज को ये लगा कि अफ्रीका जो है इसकी जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है ये इकोनॉमिक फील्ड में आगे जा रहा है। तो उस वक्त ये था कि क्योंकि एक तो इकोनॉमिकल डिप्रेशन जो थी पूरी वर्ल्ड पर थी, यूएसए में भी थी, इंडिया में भी थी, बाकी जगह में भी थी, तो यूरोपियन कंट्री ने यह सोचा कि हम एक कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से ये अफ्रीका जो है इसकी जो इकोनॉमी जो है ये डिस्ट्रॉय होनी चाहिए, ताकि ये इकोनॉमिकल मार्केट में आगे नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, यानी द कमिंग ऑफ रिंडरपेस्ट टू अफ्रीका, उन्होंने ये किया कि वहां जो, क्योंकि अफ्रीका जो था उनकी जो काव थी, जर्सी काव जो थी, उसकी जो मिल्क था डेली वो बहुत आ रहा था, मिल्क प्रोडक्ट था, बाकी चीजें जो थी, तो उनसे इकॉनमी उनकी आगे जा रही थी। इन्होंने वहां पे जरासीम छोड़े, कुछ ऐसी जरासीम छोड़े जिनसे उनकी जितनी भी गाय जो थी, अफ्रीका की गाय जितनी भी थी, वो तमाम की तमाम गाय एट ए टाइम, कहते हैं कि 2.5 लाख काव जो थी वो एट ए टाइम मार गई थी इस बीमारी से। यानी रिंडरपेस्ट जो है ये एक फैटल एनिमल डिजीज है, इससे उनकी जितनी भी काव जो थी वो मार गई थी। रिंडरपेस्ट वॉज ए फैटल एनिमल डिजीज विच अराइवड इन अफ्रीका इन द लेट 1880 यानी 19th सेंचुरी के दौरान। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस फैटल डिजीज अबाउट 90% ऑफ द कैटल इन अफ्रीका डेड। यानी इस बीमारी से, ये जो बीमारी के जरासीम यूरोपियन कंट्री ने अफ्रीका में छोड़े, तो इससे अफ्रीका की 90% काव जो थी वो मर गई। इससे कंप्लीटली एम्प्रोशेड एंड ब्रोकन द अफ्रीकन्स वेयर फोर्सड एंड टू द लेबर मार्केट विच दे वेयर रिसिस्टिंग फॉर लॉन्ग। इससे ये हुआ कि जितनी भी अफ्रीका की इकॉनमी जो थी वो डिस्ट्रॉय होगी, तो अफ्रीकन जितने भी थे वो अब इस बात पे कंपेल उनको किया गया कि वो मार्केट में मजदूरी करने लगे, क्योंकि उनकी जितनी भी जो इकॉनमी थी, सपोज करते हैं जी मिल्क आता है, मिल्क के तो प्रोडक्ट बनते हैं, मिल्क के घी, बटर, बाकी चीजें, कितने सारी प्रोडक्शन होती है, तो इससे अफ्रीका जो था उनकी इकॉनमी बहुत हाई आगे जा रही थी। तो ये जो गाय की डिजीज के जो इन्होंने जरासीम छोड़े बाकी यूरोपियन कंट्री ने, इनसे जब उनकी गाय जो थी जितनी भी मार गई वो गाय एट ए टाइम 90% गाय मार गई, तो उनकी जो इनकम डेली आ रही थी वो खत्म हो गई। दी लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड लिवलीहुड ऑफ मेनी अफ्रीकन्स अंडर सच ए डिवस्टेशन ऑफ द अफ्रीकन्स एंड देयर रिसोर्सेज द यूरोपियन कॉलोनाइजर्स वेयर एबल टू ईजली कंक्योर एंड सब्जियो अफ्रीका। तो इससे जो यूरोपियन कंट्री का एम जो था कि एक तो हम इसको फतह कर लेंगे, दूसरा हम क्या कर लेंगे, हमें आसानी से इस पर कंट्रोल हो जाएगा, वो एक ही जरिया है कि हमें सबसे पहले अफ्रीका की इकॉनमी जो है उसको खत्म करना होगा। तो अफ्रीका की पैसे को, क्योंकि कोई भी कंट्री जो होती है मेन सोर्स कंट्री के पास पैसा होता है, डेवलपमेंट जो होती है वो पैसे से होती है, तो चाहे वो साइंस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे एजुकेशन की डेवलपमेंट हो, चाहे बाकी फील्ड में हो, सिर्फ पैसे ही से डेवलपमेंट होती है। तो उन्होंने पैसे को खत्म करने के लिए उनका जो सोर्स था, इनकम ऑफ सोर्स था पैसे का, वो कैटल ही थी, लिहाजा उन्होंने जो जरासीम छोड़े उससे 90% जो गाय जो थी वो डेड हो गई। तो इस तरह से अफ्रीका की जो इकॉनमी थी उस पर बुरे असरात पड़े। थैंक यू बेटा वेरी मच।